नमस्ते, मेरा नाम है सुभिगेंदु सूद और आज मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ अपनी ईयरली राशिफल सीरीज में। और आज हम बात करेंगे कर्क राशि यानी कैंसर राशि वालों के लिए 2019 कैसा जाएगा। तो बिना किसी देरी के हम अपनी वीडियो आगे बढ़ाते हैं। श्री हनुमते नमः। कर्क राशि यानी कैंसर साइन वालों के लिए 2019 काफी अच्छा जाएगा। आपको इस साल काफी सारे पॉजिटिव चेंजेस देखने को मिलेंगे, पर उसी के साथ साथ आपको थोड़ा इस बार स्ट्रगल भी फेस करना पड़ेगा। घबराइएगा मत, मैं आपके लिए लाया हूँ कुछ एक्सक्लूसिव रेमेडीज जो आपकी बहुत हेल्प करेगी। अगर बात करें प्लेनेटरी ट्रांजिट की, तो इस साल सैटर्न यानी शनि का ट्रांजिट होगा धनु राशि में, जो आपकी राशि से सिक्स हाउस में। वहीं जुपिटर का ट्रांजिट होगा स्कॉर्पियो में, जो आपकी राशि से है फिफ्थ हाउस में। राहु का ट्रांजिट होगा जेमिनी में, जो आपकी राशि से है ट्वेल्थ हाउस में। वहीं केतु का ट्रांजिट होगा शनि के साथ धनु राशि में, जो आपकी राशि से है सिक्स्थ। अगर इस साल आपके लिए पॉजिटिव चेंजेस की बात करें, तो राहु लास्ट ईयर से आपकी राशि पे गोचर कर रहा था, जो आपको मेंटल स्ट्रेस, एंग्जाइटी और डिप्रेशन दे रहा था, वो मार्च 2019 के बाद से आपकी राशि से हट जाएगा। तो आपकी जो भी प्रॉब्लम्स थी, जैसे मेंटल स्ट्रेस, एंग्जाइटी, उसमें आपको इस बार रिलीफ मिलेगा। उसी के साथ साथ आपकी फैमिली में भी शांति का एनवायरनमेंट बनेगा। इस साल डेस्टिनी भी आपका साथ देगी, आपके रुके हुए काम भी हो जाएंगे और आपके जो भी काम है वो इस साल बिना किसी प्रॉब्लम के स्मूथली सारे हो जाएंगे। अब बात करते हैं लव लाइफ की, कि आपके रिलेशनशिप के लिए आने वाला साल कैसा रहेगा। तो आपके लिए ये आने वाला साल काफ़ी अच्छा होगा। आपकी अपने पार्टनर के साथ चल रहे डिस्प्यूट्स या आर्ग्यूमेंट्स वो ख़त्म हो जाएंगे और आपकी बॉन्डिंग जो है वो भी स्ट्रांग हो जाएगी। अगर आप अपने लिए कोई लाइफ पार्टनर ढूंढ रहे हैं, तो अप्रैल 2019 के बाद से आपके लिए राइट टाइम शुरू होता है। अब बात करते हैं मैरिड लाइफ की। आपका आने वाला साल भी अच्छा जाएगा, आपकी अपने पार्टनर के साथ भी बॉन्डिंग स्ट्रांग होगी और अगर आपके डिस्प्यूट्स चल रहे थे तो वो भी इस साल ख़त्म हो जाएंगे। अब बात करते हैं बिजनेस करने वाले लोगों के लिए। आपका आने वाला साल भी अच्छा जाएगा, आपको इस साल फाइनेंशियल गेन्स भी होंगे और आपके बिजनेस में जो प्रॉब्लम्स आ रही थी वो भी इस साल दूर हो जाएंगी। अगर आप किसी पार्टनरशिप बिजनेस में और आपके अपने पार्टनर के साथ डिस्प्यूट्स या आर्ग्यूमेंट्स हो रहे थे, तो उसमें भी आपको इस साल रिलीफ मिलेगा। अब बात करते हैं जॉब करने वाले लोगों के लिए। आपका आने वाला साल नॉर्मल जाएगा और आपको कोई प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। अगर आप जॉब चेंज करने का सोच रहे हैं, तो आपके लिए फर्स्ट 3 मंथ्स राइट टाइम है, या फिर अक्टूबर 2019 के बाद आपके लिए राइट टाइम शुरू होगा। अगर आप उसके बीच में करेंगे तो वो आपके लिए सही टाइम नहीं है। इस साल आपको अपने बॉस या हायर अथॉरिटी के साथ आर्ग्यूमेंट्स होने के चांसेस हैं, तो आपको अपने गुस्से और आर्ग्यूमेंट्स को अवॉइड करना पड़ेगा। आपकी अगर हेल्थ के बारे में बात करें, तो आपके लिए एक पॉजिटिव न्यूज़ है। अगर आपके साथ चल रही थी कोई पुरानी बीमारी जो आपको बहुत ज़्यादा तंग कर रही थी, तो वो आपकी इस साल दूर हो जाएगी। आपको और कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं आएगी, पर आपको अपनी फूड हैबिट्स पे इस बार ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे कि मैंने आपको बताया, राहु इस साल आपकी राशि से 12th हाउस में गोचर करेगा, तो वो आपके खर्चे या एक्सपेंसेस बढ़वा सकता है। तो आपको यहाँ पे अपना थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, आपको खर्चे सोच समझ के करने पड़ेंगे। अब है वक्त रेमेडीज का। तो उसमें पहली रेमेडी है, अगर आपको हेल्थ में प्रॉब्लम्स आ रही है, तो आपको रोज़ एक माला महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना है। दूसरी रेमेडी है, अगर आपको मेंटल स्ट्रेस, एंग्जाइटी की प्रॉब्लम हो रही है, तो आप हर मंडे को एक पैकेट दूध का दान करेंगे किसी भी ज़रूरतमंद को। अगर आपको अपने एनिमीज परेशान कर रहे हैं, तो आपको शनि का मंत्र करना, रोज़ एक माला जो कि है
ओम शम शनिश्चराय नमः, इसमें भी आपको रिलीफ मिलेगा। चौथी रेमेडी है, अगर आपको अपनी जॉब में प्रॉब्लम आ रही है तो आपको रोज एक माला जुपिटर का मंत्र करना, जो कि है ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः, ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः, ये एक माला आपको रोज करनी है। अगर आप ये रेमेडीज अच्छे से करेंगे तो आपको इस बार काफ़ी सारे अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं और आप जानना चाहते हैं आपका 2019 कैसा रहेगा, तो आप हमारी वेबसाइट पर जाके इसे पढ़ सकते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आई है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और लाइक करें और शेयर करें वीडियो अपने दोस्तों के साथ। मैं आपसे फिर मिलूंगा किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।